प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक के चैंपियन से बात कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है सुनिए जरा। जो एथलीट्स हम नॉर्मल लाइफ में हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट इमोशंस, वो पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया इस 10 दिन में। और आई थिंक एक इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने के लिए ये गेम्स बहुत ही अच्छा टाइम पे आए, एंड आई थिंक इसके आगे से लोग बहुत अच्छे से हमारी स्पोर्टिंग जर्नी को समझेंगे और जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो और भी बेटर होंगे आगे के टाइम पे। आपकी बात सही है, सिर्फ आप लोगों ने नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में वही मिजाज था। सब लोग अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का दिखता तो यहाँ बेचैन हो जाते थे। वो यहीं पर जैसे कार चलाते हैं ना, अगर हमें ड्राइविंग आता है और हम पीछे बैठे हैं तो ब्रेक तो आगे वाले को लगानी है लेकिन पैर हम दबाते हैं पीछे। तो वैसे ही खिलाड़ी वहाँ खेलते थे और लोग हाथ पैर इधर ऊपर ऊपर नीचे कर रहे थे। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर, थोड़ा साल से सोच रहा था सर। मेरे टीम वालों ने बोल रहे भाई कब छोड़ेगा, यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। बट मुझे ऐसा लग रहा था सर, आई मीन मैंने 2002 में पहले बार कैंप में गया और 2004 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला जूनियर टीम में, तब से खेल के आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा 20 साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट लेना है। तो ओलंपिक्स ऐसे एक प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी, लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ऐसा ये टीम को बधाई है, सरपंच साहब ने बड़ा सच में सर ऐसे एक हम सपना ही देख सकता है सर, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा हार्ड था जब हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे, क्योंकि ये टीम इस बार जब पेरिस के लिए गया था हमारा उम्मीद इतना था कि हम लोग फाइनल खेले गए या गोल्ड के लिए हम लोग लायक है, बट जब सेमीफाइनल हार गया एकदम से थोड़ा दर्द लगा सबको। बट आखिर जब लास्ट मैच के लिए हम लोग उतरा था तब सब लोगों ने ये बोला कि अरे यार ये मैच श्री भाई के लिए जीतना है, तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात यही है सर, क्योंकि इतना साल का जो मेहनत अपना देश के लिए किया है ये भाई लोगों ने मेरे लिए साथ दिया, मेरे साथ दिया, और हम लोगों ने मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू बोला और गुड बाय बोला सर। अच्छा मुझे बताइए भाई, जब ये आपको ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था तब क्या इन्हें शुरू में ही डिमोरलाइज हो गएंगे? सरपंच साहब जरा बताइए कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि ये बड़ा कठिन था। नमस्कार सर जी, बिल्कुल सर काफ़ी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में गार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को, एंड बट आई थिंक जो कोचिंग स्टाफ है हमारे उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी, और हम विजुलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर सरप्राइजली, तो हमारा माइंडसेट था कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है जो हमारे प्लान्स हैं हम उस पर स्टिक रहेंगे। और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर, क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइट भी होती रहती है, तो वो मेंटेलिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे तो बिल्कुल ये सर और था कि मन में कि नहीं हम ये मैच जीतेंगे आज, तो बहुत अच्छा रहा कि 1-1 ड्रा रहा सर, उसके बाद शूटआउट पे हम जीते हैं, तो एक वो क्योंकि ये ऐसा कभी सारी हिस्ट्री में नहीं हुआ सर ओलंपिक में, एंड एक और खुशी की बात थी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया सर वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 52 इयर्स के बाद हमने बड़े प्लेटफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वैसे भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं 52 साल के। जी जी सर, दो बार ओलंपिक में बार लगातार, ये भी बहुत बड़ा काम है। जी सर, आप तो भाई यंगेस्ट से। नमस्ते सर, सब कहते होंगे ये मत करो वो मत करो, आप थोड़े डर जाते होंगे। उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने, तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे, फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को, तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे। और टॉप्स और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा इस मेडल में। अभी मूड क्या है? अब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए ही नहीं जी, घर गए नहीं। हाँ जी।
तो हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई कर्जा के चूर में खाएंगे जी। अच्छा अच्छा, जैसे हमारे सरपंच साहब का निकनेम है, ऐसे आप में से और कौन है जिसके ऐसे ही निकनेम है? प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंह हूँ और वर्तमान में बिहार से विधायक भी हूँ, तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी का विधायक कहते हैं जी सर। तो सरपंच भी है, विधायक भी है। अच्छा, आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं? हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे। वाह शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा किया आप लोगों ने। जी सर, अब मैं चाहूँगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं। जी बिल्कुल सर, कि उससे जितना दूर रहें अच्छा ही है, वरना ज़्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। आप बेटा बहुत निराश लग रही हो। हाँ जी सर, पहली बार गई थी और मैं मतलब एक एक से हार गई थी बाउट, और मगर उससे जीत जाती तो मैं फाइनल तक जाती, गोल्ड भी ला सकती थी, पर वो मेरा बैड लक था, दिन अच्छा नहीं था, तो सर मैं लूज हो गई। कोई अभी तो उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत करना है। हाँ जी सर, और हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, करके दिखाओगी। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिजेंट में जो इंजरीज हुई थी वो काफ़ी कम थी, एक या दो सीरियस इंजरी थी, पर नहीं तो यूजली क्या होता है कि सब गेम्स में से तीन चार मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है, पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ एक था, तो वो अच्छी बात थी। एक सीखने का था कि जब भी ओलंपिक के जो विलेज में जो पॉलीक्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ रहती है, पर इस बार हमने सब जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारे विलेज में ही, हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी, और इसलिए काफ़ी एथलीट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था, इंजरी मैनेजमेंट करना था, प्रेपरेशन भी जो करना था वो बहुत ही आसानी से कर सके। आई थिंक बहुत सारे एथलीट को वो यू नो वो प्रेफरेबल था, और आई थिंक उससे एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक इससे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे एथलीट को। देखिए साहब, डॉक्टर ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले की तुलना में मिनिमम इंजरीज थी। इंजरी कम हुई है, इसका मतलब है कि खेल की हर चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज आ गई है। इंजरी होने का कारण वही होता है कि हमें खेल के संबंध में कुछ हमारा ज्ञान होता है जो हमें खुद को कभी कभी डैमेज कर देता है। ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को तैयार किया है, और छोटे मोटे जर्क आए भी, कठिनाई आई तो भी आपके बॉडी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं। तो मैं पक्का मानता हूँ आप लोगों ने काफ़ी ट्रेन किया होगा अपनी बॉडी को, काफ़ी मेहनत की होगी, तब जाके ये हुआ होगा। तो इसके लिए तो आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मेरे साथ हमारे मनसुखे मांडविया जी हैं, खेल राज्य मंत्री बहन रक्षा खड़से जी हैं, हमारी खेल जगत में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया पीटी उषा जी हैं, पेरिस से आप सब वापिस आए हैं, आप सबका और आप सबके साथियों का भी मेरे यहाँ हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं, और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है,
उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है जी, मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं, मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूँ। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे, इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। सच पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यू। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है, और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, सपने को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है, कठिनाइयाँ अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे, और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने, और लक्ष्य हमारा लक्ष्य सेन आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है।